मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी का फैसला। जज अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बरतरफ किया गया। शहबाज शरीफ का अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर। मियां नवाज शरीफ को सजा का फैसला खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं साबित हो गया अरशद मलिक ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया। तीन बार के मुंतखब वजीर आजम को नाहक सजा सुनाई गई। अपोजिशन लीडर की कारकुनान को शुक्राने के नवाफिल अदा करने की हिदायत। नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में पेशी। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में पूछताछ। 17 जुलाई को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत दोबारा तलब। कोई शहादत नहीं है, कोई केस नहीं है, लेकिन सिर्फ बदनामी के लिए, सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए नैब इस्तेमाल होता है। हुकूमत नाकाम हो गई, हर लम्हा अब भारी है। माइनस वन पार्टी के अंदर किया जाता है। इमरान खान बताएं उन्हें कौन माइनस करना चाहता है। नैब को मुखालिफीन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद खाका नबासी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम के एहतसाब अदालत में पेशी। जज की नैब को रेफरेंस दायर करने के लिए 6 अगस्त तक हतमी मोहलत। नैब ने रेंटल पावर केस में राजा परवेज अशरफ और दीगर की बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, फैसला कलदम करार दिया जाए। नैब की इस्तदा। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान। कराची में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। शहर कायद में घंटों लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरा। लाहौर में भी बदतरीन लोड शेडिंग। मुगलपुरा, शालामार बाग, अंदरून शहर, शादबाग, करीम पार्क, इकबाल टाउन, शाहदरा, मुल्तान रोड, जल्लो मोड़, गजुमता और दीगर इलाकों में घंटों गैर ऐलानिया बिजली बंद होने लगी। मियांवाली, हरनौली, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, कोयटा, पिशावर के अवाम भी लोड शेडिंग से तंग। बसरपुर में शहरियों का पारा हाई। वाबरा ऑफिस के बाहर एहतजाज। सखर में पानी की किल्लत और बिजली की लोड शेडिंग। पिशावर में रेंट कार बिजनेस की आड़ में अरबों रुपए का फ्रॉड। जीरोस नामी कंपनी ने शहरियों से 500 से ज्यादा गाड़ियां किराए पर ली, बाद में आसान इकसात पर फरोख्त कर दी। गाड़ियों के मालिकान को किराया दिया ना ही गाड़ियां। मुलजिम रूपोश। कराची में गर्मी के डेरे। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में भी सूरज तप गया। लाड़काना का पारा 46, लाहौर का 45 तक पहुंच गया। नवाबशाह, सखर, फैसलाबाद का 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची वाले हो जाएं तैयार, काले बादल फिर बरसने वाले हैं। महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक कराची समेत सिंध में बारिशों की नवीद सुना दी। तूफानी हवाएं भी चलेंगी। कराची, ठठा, बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पटवारी हैं, पटवारी ही रहेंगे। लाहौर में 9 पटवारियों को कानून गो के ओहदे पर तरक्की लेने से इनकार। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी इंग्लैंड चला गया। मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, रिजवान हसनैन, फखर जमान, शादाब खान बरास्ता दुबई मैनचेस्टर पहुंचेंगे। खिलाड़ी बरतानिया पहुंचते ही 14 रोज के लिए क्वारंटीन होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड में पहला टेस्ट 5 अगस्त को शुरू होगा। गुलुकार अली जफर का जुनैद जमशेद का शोहरा आफाक गीत चलो तो सही गाकर मरहूम गुलुकार को खिराज अकीदत। और जुगनी के खाले चिमटे की मुनफरद धुनों पर मस्त कर देने वाले बिखेरने वाले गुलुकार। आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े कालिस बरस बीत गए। हीर वारिस शाह ने आलम लोहार को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। फनी खिदमात के सिले में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी समेत कई अवार्ड्स और एजाजात से नवाजा गया। मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक बरतरफ।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी का फैसला। जज अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बरतरफ किया गया। शहबाज शरीफ का अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर, मियां नवाज शरीफ को सजा का फैसला खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं साबित हो गया अरशद मलिक ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया। तीन बार के मुंतखब वजीर आजम को नाहक सजा सुनाई गई। अपोजिशन लीडर की कारकुनान को शुक्राने के नवाफिल अदा करने की हिदायत। नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में पेशी। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में पूछताछ, 17 जुलाई को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत दोबारा तलब। कोई शहादत नहीं है, कोई केस नहीं है, लेकिन सिर्फ बदनामी के लिए, सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए नैब इस्तेमाल होता है। हुकूमत नाकाम हो गई, हर लम्हा अब भारी है, माइनस वन पार्टी के अंदर किया जाता है। इमरान खान बताएं उन्हें कौन माइनस करना चाहता है। नैब को मुखालिफीन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद खाका नबासी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम के एहतसाब अदालत में पेशी। जज की नैब को रेफरेंस दायर करने के लिए 6 अगस्त तक हतमी मोहलत। नैब ने रेंटल पावर केस में राजा परवेज अशरफ और दीगर की बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, फैसला कलदम करार दिया जाए। नैब की इस्तदा। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान, कराची में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। शहर कायद में घंटों लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरा। लाहौर में भी बदतरीन लोड शेडिंग। मुगलपुरा, शालामार बाग, अंदरून शहर, शादबाग, करीम पार्क, इकबाल टाउन, शाहदरा, मुल्तान रोड, जल्लो मोड़, गजुमता और दीगर इलाकों में घंटों गैर ऐलानिया बिजली बंद होने लगी। मियांवाली, हरनौली, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, कोयटा, पिशावर के अवाम भी लोड शेडिंग से तंग। बसरपुर में शहरियों का पारा हाई। वाबडा ऑफिस के बाहर एहतजाज। सखर में पानी की किल्लत और बिजली की लोड शेडिंग। और जुगनी के खाले चिमटे की मुनफरद धुनों पर मस्त कर देने वाले, बिखेरने वाले लोग गुलकार। आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े कालस परस पीत गए। हीर वारिस शाह ने आलम लोहार को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। फनी खिदमात के सिले में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी समेत कई अवार्ड और एजाजात से नवाजा गया। पिशावर में रेंट कार बिजनेस की आड़ में अरबों रुपए का फ्रॉड। जिरोस नामी कंपनी ने शहरियों से 500 से ज्यादा गाड़ियां किराए पर ली, बाद में आसान इकसाद पर फरोख्त कर दी। गाड़ियों के मालिकान को किराया दिया ना ही गाड़ियां। मुलजिम रूपोश। कराची में गर्मी के डेरे, पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में भी सूरज तप गया। लाड़काना का पारा 46, लाहौर का 45 तक पहुंच गया। नवाबशाह, सखर, फैसलाबाद का 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची वाले हो जाएं तैयार, काले बादल फिर बरसने वाले हैं। महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक कराची समेत सिंध में बारिशों की नवीद सुना दी। तूफानी हवाएं भी चलेंगी। कराची, ठठा, बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पटवारी हैं, पटवारी ही रहेंगे। लाहौर में 9 पटवारियों को कानून गो के ओहदे पर तरक्की लेने से इनकार। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी इंग्लैंड चला गया। मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, रिजवान हसनैन, फखर जमान, शादाब खान बरास्ता दुबई मैनचेस्टर पहुंचेंगे। खिलाड़ी बरतानिया पहुंचते ही 14 रोज के लिए क्वारंटीन होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड में पहला टेस्ट 5 अगस्त को शुरू होगा। गुलकार अली जफर का जुनैद जमशेद का शोहरा आफाक गीत चलो तो सही गाकर मरहूम गुलकार को खिराज अकीदत। और जुगनी के खाले चिमटे की मुनफरद धुनों पर मस्त कर देने वाले, बिखेरने वाले लोग गुलकार। आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े कालस परस पीत गए।
हीर वारिस शाह ने आलम लोहार को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। फनी खिदमात के सिले में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी समेत कई अवार्ड्स और एजाजात से नवाजा गया।